नेशर माइल्स एक न्यू एज लगेज ब्रांड है जो स्टाइल, वैरायटी और फैशन का वादा करता है। हम आज आपके पास लाए हैं 100 से भी ज्यादा शेड्स, इतने कलर्स और ऐसे कलर जो शायद आपने देखे और सुने शायद ही होंगे। और यही नहीं, हमारे जो स्टाइल्स हैं, जो डिजाइन्स हैं, आपको आपका बैग दूर से ही नजर आ जाएगा। हमारा हर कलेक्शन आपके किसी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन से इंस्पायर्ड है, जैसे पेरिस के सॉफ्ट रोमांटिक शेड्स, इस्तांबुल जो हमारा फ्लैगशिप कलेक्शन है, और शार्क्स हमारे बैग सिर्फ गुड लुकिंग ही नहीं, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल भी है। हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास हार्ड साइड बैग्स, सॉफ्ट साइड बैग्स, बैकपैक्स और रिलेटेड ट्रैवल एक्सेसरीज हैं। आज आपको हमारे प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट nashermiles.com और सभी प्रोमिनेंट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में मिलेगी। हमारा रिविजन है कि हम अपने स्टाइलिश लगेज द्वारा इंडियन ट्रैवलर्स की फैशन क्वोशन को एलिवेट कर पाए, और इसी विजन को पूरा करने के लिए हम आ जाए आपके पास फॉर एन आस्क ऑफ 3 crore रुपीज फॉर एन इक्विटी ऑफ 0.75% ऑफ आवर कंपनी। आवर ड्रीम इज टू चेंज हाउ इंडिया ट्रैवल्स। तो शार्क्स, अब सफर चाहे जितने माइल्स का हो, जरूरी है नेशनल माइल्स। आपसे मिलते जुलता हुआ आपका कपड़ा। ओह, इट्स मैचिंग। मैचिंग। Yeah. Yeah. I have this, so I want to do it. I have to comment on the product. Outstanding. Thank you very, so much. Thank you so much. Lovely good. Branding, lovely product. First lot आपका कौन सा साल में बना? 2017 अगस्त को हम लोग ने लॉन्च किया। Got it. We have always been a profitable company. Great. We are totally bootstrapped. We have not raised any equity in our company. Wow. The cap holding is divided between, he has 50%, I have 45%, and she has 5%. Our sales hamari, when we started FY 17-18, our sales was 2.18 crores. Second year, hume confidence mila, hamara turnover 15.75 crores tha. Well done. Third year, our turnover was 22.73 crores. उसके बाद FY 2021 देयर वाज अ कोविड, बिकॉज ट्रैवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमारा डिप हो गया 12.5 crore के। बट उसके बाद 21-22 में हमारा टर्नओवर था 23.7 crores। लास्ट ईयर 22-23 में वी क्लोज्ड अप बुक एट 52.9 crore। और मुझे आपको बताने बहुत खुशी, आज हम लोग खड़े हैं, हमारा टर्नओवर अभी 57 crore की पहुंच गई है। भारी लोन ले रखा आपने? लोन है, सो एबिटा, एबिटा वाज 12.4%, हमारा पैट वाज 6.8%। लोन कितना है आपका? रफली अराउंड 11 करोड़ का लोन है। 11 करोड़ का? 11 करोड़। कितना इंटरेस्ट भरते हो? 9-13% के बीच। हम कहते हैं आप 3 करोड़ ले लीजिए फॉर 1%, वी 4 विल गेट 0.25% ईच, और आप साथ में हमें रॉयल्टी दे दीजिए, आप प्रॉफिटेबल तो है ही, ऑफ 1% ऑफ योर सेल्स अंटिल वी मेक 3 crores बैक। ओके, थैंक यू। तो इट्स अ फेयर डील एंड इट्स द थर्ड वे। क्या हम लोग अमन का ऑफर सुन सकते हैं? शार्क्स, अमन, तो ऑफर मैं दे देता हूँ। बोलिए। अकेला ही करूंगा मैं। एकला चल रे। 1 crore आई कैन गिव यू फॉर 1%। ओके। एंड रेस्ट आई कैन गिव यू डेट एट 10% फॉर 2 years। 100 crore वैल्यूएशन। अमन, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, बट 100 crore इट इज टू लेस फॉर अस। आई थिंक वी वुड लाइक टू ग्रेसफुली नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। हमारा अभी कंबाइंड ऑफर है 5 crore का, वो हम आपको 3 crore देंगे एट 200 crore वैल्यूएशन, प्लस रॉयल्टी वी विल टेक एट 1% अंटिल वी गेट आर 3 crores बैक। हमारा आज था 400 crore, आपने 300 crore किया, और उसके बाद अभी 200 crore का ऑफर आया। इफ वी कैन कम एट अ 250 crore वैल्यूएशन। ओवर ऑप्टिमाइज मत कर छोटी चीज के लिए, 5 shark जब तेरे साथ आएंगे ना। मैं जानता हूँ अमन, 225 पे क्लोज करें शार्क्स। 225 लड़ने दो, अच्छी बात है, अपना ट्रेडिंग मेंटालिटी का हैट हटा और थोड़ा ब्रांड और थोड़ा वैल्यूएशन, थोड़ा इन्वेस्टर, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कंपनी बनाने की कोशिश कर, छोटी चीज मत कर। चलो शार्क्स, ऑल शार्क डील, लेट्स डू इट। थैंक यू, गुड डील, एंड लुक एट दीस लवली थिंग्स। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। अर्बन
ओपन स्पेस आपकी सारी होम फर्निशिंग नीड्स को पूरा करता है। हम एक लौटी ब्रांड है जो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे बेडशीट, कर्टन्स, टेबल लिनन, कारपेट्स इत्यादि, जिसमें हमारे 1200 से ज़्यादा SKU हैं। अर्बन स्पेस के सारे ही प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी फैब्रिक से बनाए जाते हैं, जो आप घर बैठे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट और अदर मार्केट प्लेसेस के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, इसलिए अब आपको दिवाली सेल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है अपना घर सजाने के लिए। शख्स, हम चाहते हैं कि जब भी कोई अपने घर के सजाने के बारे में सोचे तो अर्बन स्पेस उसका वन स्टॉप होम फर्निशिंग सॉल्यूशन बने। इसलिए आज हमारी आस्क है 1.8 करोड़ फॉर 1% इक्विटी इन आर कंपनी। इस साल का जो ARR है दैट इज 45 करोड़। अक्टूबर का प्रोजेक्टेड नंबर इज 8 करोड़। लास्ट मंथ वाज 3.65 करोड़। Previous to that, we were doing 4.15 crore. तो October aberration लग रहा है। नहीं नहीं, दिवाली है, दिवाली है। हाँ, तो ARR तो फिर उससे नहीं हुआ। No ma'am, so by October end हम 29 crores कर चुके होंगे, और अगर हम 7 महीने का एवरेज निकालें तो अगले 5 महीने में हम 16-17 crore तो कर ही लेंगे। दो साल का रेवेन्यू में बता दो, इस साल का 45 करने वालों, और पिछले साल कितना था? 20.5 crores. आपका बिजनेस सही है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा ग्रो कर रहे हो। आपको पता है कि अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आपके पीछे एक फिड्यूशियरी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसको रिटर्न्स दो, तो आप वो ट्रेडमिल में चढ़ना ही क्यों चाहते हैं? सर, इसी के लिए बोलते हैं कि द राइट इन्वेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु कैन अंडरस्टैंड बिजनेस फिलोसॉफी, हाउ द बिजनेस वॉन्ट्स टू ग्रो, और उस हिसाब से हम उसको ड्राइव करें, ना कि हम सिर्फ टॉप लाइन के पीछे जाएं। एज अ कंपनी भी वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द बॉटम लाइन एंड प्रॉफिटेबल। एक बार फिर यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझाई दो अगर यहाँ तक पहुँच गए। हमारा ASP करीबन 1100 रुपए का, हमारा जो COGS है दैट इज 33%, हमारा शिपिंग और कमीशन मिला के 16-17% बैठता है। ज्यादा होगा ना कमीशन में, अमेज़न का कमीशन आ गया। तो मोस्टली बिकॉज ब्रांड पॉपुलर है, इसीलिए ज्यादातर पोर्टल्स हमें वेवर्स और रिबेट्स के फॉर्म में सपोर्ट करते हैं। ओह वाओ, तो 17-18% में आपका शिपिंग और कमीशन दोनों आ गया। यस, आगे बढ़ते हैं एक बार। हमारा मार्केटिंग 7% है, और हमारे जो अदर एक्सपेंसेस हैं ओवरहेड्स दैट इज 5%। इसमें से हम कुछ रिटर्न्स माइनस करेंगे, सो रिटर्न ब्रांड लेवल पे 12% है। और 1100 विद GST था, विदाउट GST था? विद जीएसटी तो एक्चुअली तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। कितना GST अपनी कैटेगरी? GST हमारा एवरेज 7% बैठा। 7%। गाइस, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। कई बिजनेसेस होते हैं जो इन्वेस्टेबल नहीं होते, जैसे ट्राइडेंट भी, जो लिस्टेड कंपनी जिसका आपने नाम लिया, अगर वो 1500 करोड़ पे पहुंची है इतने सालों बाद, तो आई डोंट नो दिस इंडस्ट्री वेल इनफ कि इतना ग्रोथ हो सकती है। सो आई एम आउट, बट आई जस्ट होप यू गाइस डू वेल। यू नो, आप 200-300 करोड़ के तो बन जाएंगे, बट फॉर मी एज एन इन्वेस्टर टू गेट एन एग्जिट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। टुडे आई एम आउट। थैंक यू। अभी तक मुझे ये एक ब्रांड स्टोरी नहीं लग रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो कैटेगरी है इसमें ऑनलाइन काफी मुश्किल है, तो आप जो स्केल पे ऑलरेडी हैं, मेरा मानना है कि आप अमेज़न के मार्केट साइज के काफी क्लोज पहुंचने वाले होंगे, तो यहां से आपको स्केल करना ऑनलाइन काफी मुश्किल पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन आई एम आउट। I'll put in that 1.8 crore, I need 2% equity. And I'll be taking a 5% royalty on sales. Yeah, it's high, I know, but margins are also high here. So 5% in royalty up till 1.8 crore becomes 1.5x basically. So that's the offer from my side. मैं एक काम कर सकता हूँ, आपका royalty कम कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक offer करता हूँ, 1.8 crores. I'll take 2% equity. Royalty रहेगी साथ में 3% of your sales. Okay. Until I make 2x of my money. लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे की बात, तो मेरा एक कंडीशन है, that is very critical. आपको दोनों कंपनी को मर्ज करनी पड़ेगी। Oh sorry, I also forgot to mention that. I have the same condition. दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। सर, हमने मैन्युफैक्चरिंग को अलग इसलिए किया है कि हमारा जो खुद का D2C का बिजनेस है वो क्लीन रहे, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्लियरली दिख के आए। नहीं, फाउंडर यार, हम चाहते हैं कि आपकी ना सारे एग्ज इन वन बास्केट हो हमारे साथ, अगर जहां हम पैसा डालें जिस कंपनी में, दैट्स ओनली थिंग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है, हम रॉयल्टी नहीं करेंगे। इक्विटी में द मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं दैट इज 1.25%।
भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होगा। मार्केटिंग के लिए आए हो तो आप 1.25% दे रहे हो अपना मार्केटिंग का खर्चा। अगर रॉयल्टी नहीं चाहिए तो कम से कम 5% इक्विटी ईच पर्सन शुड गेट इफ वी कंबाइन। अभी क्या है डील? इट्स क्लोज्ड, रॉयल्टी ऑन द टेबल नहीं है। दैट्स फाइन गाइस, वी विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट बिजनेस, बिल्ड समथिंग लार्ज। थैंक यू, टेक केयर। चलो यस मैडम, एक टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूजर्स सारे ब्यूटी एंड स्पा सर्विसेज जैसे कि वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, स्पा घर पर ही बुक कर सकता है एट देयर कन्वीनियंट डेट एंड टाइम। हमारे सारे प्रोफेशनल्स ट्रेन्ड और वेरिफाइड होते हैं। सर्विसेज में यूज होने वाले सारे प्रोडक्ट्स एंड डिस्पोजेबल्स वन टाइम यूज पैकेजिंग में आते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स की स्किन एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रख पाएं। इतना ही नहीं, यस मैडम, अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को खुद का प्रोडक्ट यूज करके सिर्फ सैलॉन सर्विसेज बुक करने की फ्रीडम देता है। लेकिन जैसे शार्क्स के बिना शार्क टैंक अधूरा है, वैसे ही यस मैडम अपने पार्टनर्स के बिना अधूरा है। हम 2500 से भी ज्यादा फीमेल्स को एम्पावर कर रहे हैं, जो पहले 10,000 से 12,000 तक अर्न कर पाती थी, आज हमारे साथ जुड़ के 40,000 से 50,000 तक अर्न कर पा रही हैं। हमारा विजन है कि हम यस मैडम को इंडिया की सबसे बड़ी सलोन टेक कंपनी बनाएं, जिसमें एट होम और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस होगा, ताकि हम इस इंडस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सके और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे लाखों वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ को बेटर कर सके। तो शार्क्स, आज हम आपके सामने डिमांड कर रहे हैं 1.5 करोड़ की इन रिटर्न ऑफ 0.5% ऑफ आवर कंपनी। तो शार्क्स, पिच अच्छी लगी तो बोलो यस मैम। तो कैप टेबल बता दीजिए। कैप टेबल 28% विल बी विद आदित्य, जो हमने पेपर वर्क क्लोज करा रहे हैं। 28% विल बी विद मी, 28% विल बी विद आकांक्षा, अर्पित विल होल्ड 10% एंड 6% विल बी ईशा। आप लोग आपस में क्या काम डिवाइड करते हैं? आई एम द सीईओ एंड आई टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक। मैं स्ट्रेटजी एंड एक्सपेंशन देखता हूं। मैं इनोवेशंस एंड ब्रांडिंग देखती हूं। और मैं मार्केटिंग और ऑपरेशंस देखता हूं। थोड़ा प्रोडक्ट सर्विसेज थोड़ा स्कोप समझा दीजिए। तो मान लीजिए विनीता मैम, आपको घर पे वैक्सीन करानी है, जो कि हमारी हाईएस्ट सेलिंग सर्विस भी है। आपको वैक्सोलॉजी रीका करानी है, तो आप इसको कॉस्ट क्या है बाय द वे? 799। ये 1,000 रुपए का होगा रीका वाला ऑन अर्बन कंपनी, है ना? हाँ, मतलब दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल यू कैन गाइड। हमारे प्लेटफॉर्म की एक बहुत खूबसूरत यूएसपी है कि हम अपने चार्ज को प्रोडक्ट कॉस्ट और सर्विस चार्ज में अलग करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग। तो सर्विस चार्ज 390 पड़ेगा आपको और प्रोडक्ट कॉस्ट 409 पड़ेगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में हम आपको 3 ऑप्शंस देंगे, जहाँ पे आप नो प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, जिसका मतलब है प्रोडक्ट आप दोगे और सर्विसेज के चार्जेस हम लेंगे, जो कि है सिर्फ 390। फाइनेंशियल ईयर 2021, जिसमें हमने 12.5 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ओके। उसके बाद 2022 में हमने 26 टच किया, 23 में, विच वाज लास्ट फाइनेंशियल ईयर, हमने 32 टच किया। इस ईयर वी विल बी क्लोजिंग विद 50 करोड़। एंड आप प्रॉफिटेबल हैं? वी आर प्रॉफिटेबल। क्या एबिटा है आपका? लास्ट मंथ हमारा एबिटा था 40 लाख रुपए। इन लास्ट 6 महीने में हमारा EBITDA वाज 1 करोड़। और लास्ट मंथ सेल कितनी थी? 9.5 करोड़ रुपए GMV था और हमारा रेवेन्यू था 4.5 करोड़। वेरी नाइस, अमेजिंग, गुड, वेरी नाइस। आपने फंडिंग भी रेज की है? वी हैव नॉट रेज फंड, वी हैव बूटस्ट्रैप। यू हैव नेवर रेज फंडिंग? नहीं नहीं नहीं, क्रेजी नंबर्स। मेरा नेगेटिव माइंडसेट के साथ था कि मेरे को अभी पता चलेगा कि क्या है, बट यू हैव सरप्राइज मी। तो हम आपको एक डील देते हैं, 4 शार्क आएंगे आप के, पीयूष, विनीता, रितेश और मैं, हम आपको देंगे 1.5 करोड़ रुपए, बट हम आपको 3% इक्विटी के लिए आएंगे, प्लस हम रॉयल्टी लेंगे 2% ऑफ नेट सेल्स, जब तक हमारे ये 1.5 करोड़ वापस नहीं आ जाते। सो शार्क्स, हमारा काउंटर ऑफर है 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 1% इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी। नो मैडम, अभी जो आपका स्टेज है ना बिजनेस की, दिस इज अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। राधिका तो बाहर बैठ गई थी, वो रीजन जो उनके पास है वो हमारे पास भी है। कैन वी डू इट विद 2%? 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 2% ऑफ इक्विटी एंड 1% रॉयल्टी। मुझे पर्सनली इसमें खाली एक ही रिस्क लग रहा है, जो ये रॉयल्टी है ना जी, वी मे नेवर सी आर मनी कमिंग बैक। सर क्यों नहीं आएगी? वो तो आपकी सेल्स पे है ना, वो सेल्स पे है ना। सर, पर 50 करोड़ का 1% तो 50 लाख होता है ना। इट विल टेक 3 इयर्स एट दिस रेट। तो वो थोड़ा बढ़ा देते हैं ना रॉयल्टी।
फाइनल ऑफर जो हमारा है वो है आपको हम 1.5 करोड़ हम चारों देंगे 2% ऑफ योर बिजनेस. इसके अलावा हमारी रॉयल्टी जो बनेगी वो होगी 2% ऑफ नेट रेवेन्यू अप टू 1x ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट कमिंग बैक. ये हमारी तरफ से डील डन है तो बोलिए यस मैडम. थैंक यू. गुड जॉब.